होले कबूरे शेर की सवारी आ गई। Oh my God.
तो ऐसे ही एक मैया का भगत होता है तो उसकी समझ में बात नहीं आती कि मैं अपनी मैया को कैसे प्रसन्न करूं। तो कभी मन में सोचता है कि मैं बागों में जाके अपनी मैया के लिए फूल लेके आऊं। तो कभी दर्जी के पास जाने के लिए बोलता है और इस वजन के द्वारा अपनी मैया को प्रसन्न करने के लिए कैसे कोशिश करता हो जाता। लाई लाई हो लाई लाई न फूल गुलाब के मेरी मैया के नौ दिन बहार के। लाई लाई न फूल गुलाब के मेरी मैया के नौ दिन बहार के। लाई लाई न फूल गुलाब के मेरी मैया के नौ दिन बहार के। हो लाई लाई न फूल गुलाब के मेरी मैया के नौ दिन बहार के।
लाई लाई मैं फूल गुलाब के, मेरी मैया के नौ दिन बहार के। तो भगत मैया के दर पे पहुंच जाता है और अपनी मैया से कहता है कि माँ तू दुखियों के दूर दुख दूर करती है और मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे दुखों को दूर करो। और इस भजन के द्वारा भगत अपनी मैया को क्या कहता है, हाँ मात वाणी मैं बोली हेरी हेरी मैं तेरी शरण में आया, मात वाणी मैं बोली हेरी मैं तेरी शरण में आया, मात वाणी मैं बोली हेरी मैं तेरी शरण में आया, तेरी दया तय गूंगे बोले तेरी भेद वे सारे खोले, अर्थ भेद वे सारे खोले, खुले शब्द टोलिए तोलिए री मैं तेरी शरण में आया, दिल के
मैया के दर पे पहुंच जाता है और अपनी मैया की लाल लाल चुनरी को देख के उसका मन हर्षित हो जाता है और इस वजन के द्वारा अपनी मैया को कैसे प्रार्थना करता हो क्या करता है। हाँ, हो तेरी चुनरी का रंग लाल हो लाल किसान पर सरंग भवन मेरी तेरी चुनरी का रंग
माथा में, करतन शर्मा की बाता में, करतन शर्मा की बाता में, पर दे ओ माँ पर दे सूर्य और ताली हो ताल की सफर तरंग भवन मेरी हो तेरी सुनहरी का रंग लाल हो लाल की सफर तरंग भवन मेरी हो तेरी सुनहरी का रंग लाल। तो भगत मैया को, मैया के भवन को देखता देखता मैया की तस्वीर के सामने जाता है, जिसमें माँ ने महिषासुर को मार गिराया और इस वजन के द्वारा वो भगत अपनी मैया को क्या प्रार्थना करता और क्या करता। हाँ हो गर्जरण में शेर खड़ीरी मेरी मैया, गर्जरण में शेर खड़ीरी मेरी मैया, गर्जरण में शेर खड़ीरी मेरी मैया, गर्जरण में शेर खड़ीरी मेरी मैया।
तो ऐसे ही एक भगतनी अपने पतिदेव को कहती है कि पतिदेव मुझे माता वैष्णो की मंदिर ले चलो। वो कहने लगा क्यों, तो वो कहती है कि मुझे छौपन में अपनी मैया के ऊंचे ऊंचे भवन दिखाई देते हैं और इस भजन के द्वारा वो भगतनी अपने पतिदेव को कैसे क्या करती। हेरी चोगर देने पाड़ खड़े एकदम दिखाई दे, जगमग जगमग होती ज्योति सुबह शाम दिखाई दे। सुरीला बजता मीठा साज आवे ते,
वैसे ही एक मैया का भगत सांसारिक दुखों को देख के कहीं भाई भाई का झगड़ा, कहीं बेटा माँ से झगड़ रहा है, तो कहीं कारगिल का मुद्दा उठ रहा है, तो भगत इस सांसारिक दुखों से परेशान हो जाता है और अपनी मैया से प्रार्थना करता है इस भजन के द्वारा कैसे। हेरी मेरी पार करोरी नैया तेरे भगत रहे तन तेरे, हेरी मेरी पार करोरी नैया तेरे भगत रहे तन तेरे, हेरी तेरे भगत रहे तन तेरे, हेरी मेरी पार करोरी नैया तेरे भगत रहे तन तेरे, तेरे भगत रहे तन तेरे।
आके अपनी सहेली से बताती है कि बहन माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गई। वहाँ पे भक्तों ने रंग बरसाया और माँ के प्रेम में मगन हुए। तो उसकी सहेली ने जब ये जिक्र सुना तो उसके दिल में माँ के दरबार में जाने के लिए इच्छा उत्पन्न होती है और वह अपने आपको कैसे प्रार्थना करती हाँ हे सुरता चल मैया के दरबार हे परस रंग भवन में सुरता चल मैया के दरबार परस रंग भवन
अपनी मैया के दर पे भक्तों का जमघट देखती है तो माँ से जाके कहती है कि माँ तुम्हारे दर पर तुम्हारे भगत आए हैं तो तुम भवन से बाहर आओ और इस भजन के द्वारा आओ। भगत ने अपनी मैया को क्या कहते हाँ मेरी सेरा वाली मात भगत तेरी शरण पड़े हो मेरी सेरा वाली मात भगत तेरी शरण पड़े मेरी सेरा वाली मात भगत तेरी शरण पड़े हो मेरी सेरा वाली मात भगत तेरी शरण पड़े। काली तेरी माया अजब निराली जय जगदम्बे दुर्गा काली तेरी माया अजब निराली जय जगदम्बे दुर्गा काली तेरी माया अजब निराली जय जगदम्बे दुर्गा काली तेरी माया अजब निराली मेरी लाज तुम्हारे हाथ भगत तेरी शरण पड़े हो मेरी लाज तुम्हारे हाथ भगत तेरी शरण पड़े हो मेरी तेरा वाली मात भगत भगत तेरी।